इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड यानी नज़रिए की अहमियत। हमारा नज़रिया ही हमें जीवन की ऊंचाइयों को छूने में सहायक होता है। हम यदि किसी चीज़ को गलत नज़रिए से देखते हैं तो हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है, जिससे हम उस इंसान के प्रति एक गलत राय बना लेते हैं। पर हो सकता है कि वह इंसान जो हरकत कर रहा है उसके पीछे कोई दूसरा कारण। एक समय की बात है, हजरत मोहम्मद के पास एक बूढ़ी औरत कुछ अंगूर लाई तो उन्होंने एक अंगूर चखा और फिर जल्दी जल्दी सारे अंगूर खा लिए, जिसे देखकर बूढ़ी औरत का चेहरा खिल उठा और वह वहाँ से चली गई। लेकिन उनके जो शिष्य थे वे थोड़े नाराज हुए। एक ने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा कि हमेशा तो आप हर चीज़ बांट के खाते हैं, फिर आज ऐसा क्या हुआ जो आप सारे अंगूर अकेले ही खा गए? तब हजरत मोहम्मद मुस्कराए और बोले, अंगूर काफ़ी खट्टे थे, यदि आप लोग खाते तो आप उस बूढ़ी औरत को भला बुरा कहते, जिससे उसके दिल को ठेस पहुँचती। उसके दिल को ठेस ना पहुँचे इसलिए मैंने उसके लाए सारे अंगूर खा लिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें किसी के बारे में तुरंत राय नहीं बनानी चाहिए। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि सच्चे और नेक इंसान कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, और यदि वे करते हैं तो उसके पीछे उनकी अच्छी नीयत होती है। इसलिए हमारे जो हितैषी है यदि हमें भला बुरा कुछ कहते भी हैं तो हमें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे ज़रूर हमारी भलाई छुपी होती है और उनकी नेक नीयत। यहाँ अपनी बात को समझाते हुए मैं एक और कहानी का उदाहरण देती हूँ। एक छोटा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक सेब लेकर खड़ा था। उसके पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक सेब मुझे दे दो। इतना सुनते ही उस बच्चे ने एक सेब को दांतों से कुतर लिया। उसके पिता कुछ बोल पाते उसके पहले ही उसने अपने दूसरे सेब को भी दांतों से कुतर लिया। अपने छोटे बेटे की इस हरकत को देखकर पिता काफ़ी ठगे से रह गए। उनके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। तभी उनके के बेटे ने अपने नन्हे हाथ आगे की ओर बढ़ाते हुए पापा से कहा, पापा ये लो, ये वाला ज़्यादा मीठा है। शायद हम कभी कभी पूरी बात जाने बिना निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी इंसान को गलत समझ लेते हैं। दरअसल में हमें तुरंत राय नहीं बनानी चाहिए। कुछ इंसान परिस्थितियों के हाथों मजबूर होते हैं तो कुछ लोग स्वभाव के हाथों। तो हमें किसी के बारे में ना तो अच्छा सोचना चाहिए ना ही बुरा। दरअसल में हमें किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, आप अपने आप को जान लो, लोग आपको जान जाएंगे। हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, हमें अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए, अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहिए, अपने आप को नई नई जानकारियों को प्राप्त करते हुए, नई नई विद्याओं को सीखते हुए इंटेलिजेंट बनाना चाहिए, ना कि दूसरों की कमियों की चर्चा करते हुए समय नष्ट करना चाहिए। अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। गालिब ने क्या खूब कहा है, जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना पोंछता रहा।